অতীতের মতোই আগামী দিনে বাংলা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতকে নেতৃত্ব দেবে আশা প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। जिस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें भी सभी के लिए अवसर भी मौजूद है। जैसे पश्चिम बंगाल में जूट किसानों के लिए पास में ही जूट आधारित उद्योगों को और मजबूती दी जाएगी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अपार संपदा जुटाने वाले आदिवासी साथियों को उनके क्षेत्र में ही आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं इनका बहुत बड़ा लाभ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को होगा। मैं समझता हूं कि कोलकाता भी खुद फिर से एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। अपने पुराने गौरव से प्रेरणा लेते हुए भविष्य में कोलकाता पूरे क्षेत्र के विकास का नेतृत्व कर सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को चरितार्थ करने के लिए आईसीसी भी अपने स्तर पर 5,500 नए लक्ष्य तय करें। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल की ऐतिहासिक श्रेष्ठता को हमें पुनर्जीवित करना रहेगा। भारत के आत्मनिर्भर होते हबे आमदानी कमिए चेष्टा करते हबे रफ्तानी बाराबार बणिक सभाय बार्ता प्रधानमंत्री। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। इसके अलावा हर वो सामान जो भारत का लघु उद्यमी बनाता है उसे छोड़कर विदेश से वही सामान मंगाने की प्रवृत्ति, इस पर भी हमने आत्मसंयम बरतना है, हमें नियंत्रण करना है। कभी सोचना, आप मर्सिडीज गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और फुटपाथ पर छोटी चीज बेचने वाले की चीज आपने उतर करके खरीदी, वो पैसे नहीं गिनेगा, वो उसकी छाती फूल जाएगी। देखिए, मर्सिडीज गाड़ी वाला भी फुटपाथ पर मैं भले बैठा हूं लेकिन उतर करके मेरे से सामान खरीद रखा है, उसकी जिंदगी को एक ताकत मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। प्लास्टिक दूरीकरण कर्मसूची हाथ धरे बांग्लार पाट शिल्पे जोर आसपे बार्ता नरेंद्र मोदी। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का, इसमें पीपल प्लेनेट और प्रॉफिट तीनों ही विषय एड्रेस होते हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल के लिए तो यह बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपके यहां जूट का कारोबार बढ़ने की संभावना अनेक गुना बढ़ जाती है। और मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या आप लोगों ने इसका फायदा उठाया कि नहीं उठाया? क्या अब पैकेजिंग मटेरियल, नई नई वैरायटीज, नए नए थैलिए, नए नए पर्स प्लास्टिक की जगह पर जूट से बनाना शुरू किया कि नहीं किया?